वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को बेटा करवाने से पहले मैं आपके कुछ कन्फ्यूजन सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चंस आते रहते हैं। बच्चे सोचते हैं शायद ये क्वेश्चन दूसरा है। देखिए क्या, जैसे अगर मैं एक बात कहूं कि 23.23 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका मतलब पता है क्या होता है? सोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि जब इक्वल के लेफ्ट में आप वैल्यू डालो एक्स की, ये एक्स की डालो ये वाई की, तो जो आंसर आएगा वही आंसर राइट में भी होगा। यानी आपको ये देखो 2+3 करके 5 आएगा ना, तो राइट में भी 5 है। इसका मतलब हम कहते हैं ये सॉल्यूशन है। इसी बात को कहने के बड़े सारे वेज हैं। इन्हीं लैंग्वेज का यूज करके वो अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, हमें कंफ्यूजन होती है। 2-3 सेटिस्फाई द इक्वेशन, अगर वो इज अ सोल्यूशन वर्ड यूज ना करके सेटिस्फाई वर्ड यूज कर ले तो भाई सही बात है। 2-3 सेटिस्फाई कर रहा है यानी इस इक्वेशन को ट्रू कर रहे हैं वो। जब हम वैल्यू रखते हैं तो 5 आता है, इसको कहते हैं सेटिस्फाई करना। उसी बात को सेटिस्फाई करना भी कहते हैं। और देखो लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, यानी ये जो इक्वेशन है अगर मैं इसका लाइन इसका ग्राफ बनाऊंगा, मान लो एक ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, तो जो 2-3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा वो, ये बात भी तीसरा तरीका ये बोलने का, अरे भाई लाई तो करेगा ही करेगा क्योंकि सोल्यूशन से ही तो ग्राफ बनता है, तो क्या ये 2-3 पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करेगा? तो यानी सोल्यूशन होना, सेटिस्फाई करना, एक पॉइंट पे लाई करना या लाइन का उस पॉइंट से पास करना, ये लिखा है पॉइंट लाई, लाई मतलब वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, ये इस बोल रहे हैं। तो एक ही बातें बोल रहे हैं, बस वर्डिंग्स अलग अलग हैं। जब ये जो बात के दो पॉइंट्स हैं ये ग्राफिकल रिलेटेड है, लेकिन दोनों का मीनिंग यही है कि सॉल्यूशन है। अगर मैं इधर ये भी कहूं ना, टू ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई 5 पासिस थ्रू 2-3, तो मैं ये भी कह सकता हूं 2-3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, 2-3 सेटिस्फाई दिस लाइन। तो यानी इसका मतलब ये सब एक जैसी चीजें हैं। अब आज इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं दो इक्वेशन बतानी है आपको लाइन की जो इससे पास करती हूं। तो यानी आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई भी एक पॉइंट है उससे बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सारे इसके आंसर्स भी आ सकते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड का आंसर कुछ हो रहा है, आपका कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन कैसे बनानी है मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताता हूं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये एक्स है और ये वाई है, गॉट इट, ठीक है। आप इन दोनों को प्लस कर दो एक बारी। कैसे करेंगे प्लस? देखो 2+-3 ऐसे ही प्लस करोगे ना, आंसर निकालो अपना 2+-3 2-3 क्या आया आंसर आपका? -1। आंसर क्या आया? -1। क्या करने पर आया? जब आपने दोनों पॉइंट्स को प्लस किया, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी हो चुकी है, एक्स प्लस वाई यानी दोनों इक्वेशन को प्लस करने पर हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? -1। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इसके अंदर ये कैसे आपकी इक्वेशन सही है गलत है कैसे चेक करोगे? आप इसमें देखो एक्स रखो 2 और वाई की जगह -3 रखो, आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। अब ये क्वेश्चन क्लियर है? आओ बेटा अब एक और करते हैं। अब आपने क्या किया? प्लस किया ना, एक बार इनको माइनस भी कर दो। चलो माइनस कैसे करोगे? 2 लिखो पहले, फिर माइनस लगाओ, फिर दूसरे वाला नंबर लिख दो। माइनस कर दिया, अब आंसर निकालो पहले। 2-, कितना हो गया? +3। 2+3 कितना हो गया? 5। आपका आंसर क्या आया? 5। इससे आपकी एक इक्वेशन ऑलरेडी हो जाएगी। हमने x में से y को माइनस किया और हमारा आंसर आ रहा है 5। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, गॉट इट। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस के अलावा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिर्फ प्लस माइनस से बनेगी। एक और तरीका आपको बता देता हूं। चलो और मान लो थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए आ जाए, सुनो अब क्या करना है आपको। 2 और -3 को आपने यूज करना है, ये देखो क्लियर है कैसे? एक्स और वाई आपको गिवन है 2 और -3, क्लियर। आप 5 को 2 से, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा नंबर एज इट इज रहने दो। अब आंसर निकाल लो, ठीक है, फर्स्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई, दूसरे को एज इट इज रहने दो। अब करो आंसर 5 to the 10 +-3 10-3 कितना आ गया? 7। अब इक्वेशन बनानी है, ये हाई अलर्ट जोन है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना। क्या हमने 5 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले को, यानी 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला कौन सा है?
एक्स, और दूसरे वाले को हमने एज इट इज रहने दिया, प्लस लगा के दूसरे के साथ कुछ नहीं किया, और बराबर इक्वल में क्या आया हमारा आंसर 7। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। मैंने 5 किया, आप 3 ले लो, 7 ले लो, फिर हो सकता है आप इसको छोड़ दो, इससे मल्टीप्लाई करके ले लो, ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। अब आपका आंसर ठीक है या गलत है देखो चेक करवा देता हूं आपको। 5 एक्स की जगह रख लो यहां पे 2, प्लस वाई की जगह रख लो -3, 5 to the 10, 10 minus 3 7, आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी इसका मतलब ये लाइन इससे पास कर रही है। ठीक है, पास करना, सॉल्यूशन होना, सेटिस्फाई करना, ये सारे इंटरचेंजिंग वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन लाई जा सकती है। ओके बेटा, अब एक क्वेश्चन और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का करते हैं। बेटा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ठीक है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहो, कनेक्ट रहो। मैं आपके हर टॉपिक पे आपको वीडियो दूंगा, इवन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स के टिप्स वगैरह, जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए जरूर पोस्ट करता रहूंगा। प्लीज कनेक्ट रहिए और लाइक कमेंट करके थोड़ा रिप्लाई कर दिया करो बातों का, कि आप सीख रहे हो, कैसी इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी। अब बेटा देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट लाई करता है इसके ऊपर, पॉइंट लाई करना, ये इसका सॉल्यूशन है, ए की वैल्यू बताओ, ये पॉइंट इस पे लाई करता है, ए की वैल्यू बताओ, ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, ए की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मतलब लैंग्वेज अलग अलग, लेकिन जब भी आपको ऐसा आ जाए कुछ की भी, ये पॉइंट लाई कर रहा है या ये इसके ऊपर मतलब लाइन इससे पास करती है, तो समझो एक ही कोई तरीका है सबको करने का, बस लैंग्वेज अलग अलग कर रखी है। ठीक है, करना कैसे है वो ये कहना चाहते हैं कि पॉइंट इस पे लाई करता है, इसका मतलब इस इक्वेशन को पूरी को आपने उठा लेना है। कैसे, 3x-5 = ay+2। ठीक है, तो हम लिख देंगे भाई ये वाला पॉइंट लाई करता है ना, तो हम लिख देंगे एस -4/3 लाई ऑन अबव इक्वेशन। उन्हें बता दो कि ठीक है भाई तुम कह रहे हो अगर लाई करता है, तो लाई करने का मतलब ये होता है इस पूरी इक्वेशन में ये एक्स की जगह रख दिया जाए, ये वाई की जगह रख दिया जाए, ए की जगह नहीं, एक्स और वाई के बच्चे ए भी हटा देते हैं, एक्स की जगह रखो, क्या रखोगे -4, ये सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, एक्स की जगह -4, वाई की जगह 3, तो a3 (-4) -5 = वैल्यू रखते हुए हमेशा ऊपर देखते रहना चाहिए, a को a, a को कुछ नहीं करना, y की जगह 3। ठीक है, अब a3 लिखना अच्छा नहीं लगता इसलिए 3 पहले लिख दूं तो कोई फर्क नहीं है, +2, गॉट इट। अब आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे यहां पे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 3 × 4 = 12, -12 और -5 को अभी पड़ा रहने दो, = 3a+2। अब a की वैल्यू निकालनी है, एक इसका मतलब होता है a को अकेला छोड़ना है। अभी देखो राइट हैंड साइड में a के साथ कितने सारे लोग खड़े हैं, 3a, यानी a के साथ 3 भी मल्टीप्लाई में खड़ा है, प्लस करके 2 भी खड़ा है, इस 2 को यहां पे लेकर आना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, तो -12 -5 और प्लस का 2 भी यहां पे ले आओ, -2। अभी आप बोलोगे सर 3 तो अभी भी वहीं का वहीं है, अभी उसको लाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये समझ लो सारे माइनस वाले जो है ना पेंसिल्स हैं, 12 पेंसिल, 5 और 2, कितनी पेंसिल्स हो गई टोटल 19, और साइन पेंसिल्स का साइन क्या है माइनस। ठीक है, = 3। अब लास्ट में ये जो प्रोडक्ट में होता है ये कहां जाएगा आपको पता ही होगा, इसके नीचे -19/3 = a। तो लीनियर इक्वेशन जो जिनको आती है फिर तो बस उनके लिए क्वेश्चन यहीं तक होता है, आगे तो वो अपने आप सॉल्व करते हैं बड़ी इजीली। ठीक है, तो बेटा विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।